अब तक का पत्तल का कोई हिसाब नहीं लगाया है, टोटली मोटा मोटा हिसाब से मेरा हिसाब से 2 लाख से भी ज्यादा 3-4 लाख आदमी निकल गए हैं। चौरासी भोजन सब जो निष्ठान होता है ना, जो गरीबों ने किसी शादी ब्याह में बनाते हैं, वैसा शादी ब्याह वो ये भोलेनाथ का शादी है, इसमें हम वही खाना बना रहे हैं जो शादियों में बनता है। आप लोग जो बड़े लोग बनाते हो वैसा ही गरीब लोगों को नहीं मिलता वो खाना। यहाँ पर एंट्री सबकी, कैसा ही खाइए, जैसे इच्छा है मन चाहे खाओ, 4 बार खाओ, 10 बार खाओ, यहीं पर लेट जाओ, कोई चिंता नहीं। बस ये बाबा भोलेनाथ गोरक्षनाथ बाबा इस देश का पूरे वर्ल्ड का शांति बने, ये दुख बीमारी जो चल रहा है ये सब खत्म हो जाए। आराम कब आए थे यहाँ पर? यहाँ पर हमें हो गया 15 दिन, 14-15 दिन। 14-15 दिन कितने दिन रहे यहाँ रहेंगे? बस शिवरात्रि का यह भंडारा लगा रहे हैं। अभी भंडारा का उद्देश्य क्या है? बस ये बाबा भोलेनाथ गोरक्षनाथ बाबा इस देश का पूरे वर्ल्ड का शांति बने, ये दुख बीमारी जो चल रहा है ये सब खत्म हो जाए, यही संत लोग चाहते हैं। अब वर्ल्ड का भला हो इसी के लिए भंडारा ये लंगर चलता बाबा का, जहाँ भी रहते हैं वहीं लंगर भंडारा हर साल ये कथा ये करते हैं बाबा। 7 साल हो गए हमें लगाते आते आते, तो हो गया हमें 40 साल यहाँ पर। हाँ, ये 7 साल से लगातार भंडारा लगा रहे हैं ना। पहली बार 10 रोज का था? पहले 3 रोज का लगाया था। ये पहले साल पहले शुरू सातवां जो भंडारा पहला भंडारा था वो पहला 3 दिन का लगा रहे थे, फिर 5 दिन का हो गया, 9 दिन का हो गया, अभी बाबा भोलेनाथ की दुआ से 11 दिन का हो गया था। पर अभी बढ़ने का ही समय है इसका, अभी और भी बढ़ सकता है। इसमें गरीब लोग, लंगड़े लूले लोग, मोहताज लोग भी ऐसे लोग खाना खाते हैं, उससे देख के आत्मा को बड़ा शांति होता है। अभी 9 रोज हो गए इस बार? नहीं, 9 दिन का है टोटल, 10 दिन तक चलेगा। तो महाशिवरात्रि के पर्व के पर्व अवसर में जो आप लोग यहाँ पर आते हैं, इस बार क्या दिखा? ये कोरोना वायरस जो भारत में भी है, नेपाल में भी है, क्या है? भगत जी, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बीमारी नहीं होगी, मगर इसे जरूर ये इतना कहते हैं हम, मृत्यु तभी आती है, तभी मरता आदमी जब समय पूरा हो जाता है। ये तो भाग्य का बात है, नहीं तो सभी दुनिया घूम रही है करोना, तो ये तो नाम बीमारी तो कुछ ना, कभी डेंगू बन जाता है, कभी कोई बीमारी बन जाती है, तो सब परमात्मा की देन होती है। जिसकी मृत्यु जिस हिसाब से लिखी है वो उसे भोगनी पड़ती है। मृत्यु तो लास्ट है, इसके आगे तो किसी का जोर चलता ही नहीं। ये भंडारे में दैनिक कितने आदमी ये प्रसाद ले रहे हैं, अभी क्या है इसमें कोई गिनती नहीं होती भगत जी? अनुमान कितने लेते हैं? बस इसमें देखो लास्ट में पतलों से पता लगता है कि लाख पैक कितने लाख लोग खाना खा चुके हैं। अब तक कितने ले है? अब तक का पत्तल का कोई हिसाब नहीं लगाया है, टोटली मोटा मोटा हिसाब से मेरा हिसाब से 2 लाख से भी ज्यादा 3-4 लाख आदमी निकल गए हैं। सब संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हुए यार, 24 घंटे चल रहा है ये आनंद की बात है। रात को कोई 12 बजे भी आता है उसे तब भी खाना मिलता है। हाँ, ये जो है इसमें जो खाने के लिए जो पैसे नहीं लगती है, फ्री में होती है प्रसाद, है ना, ये कहाँ से जुटाती है आप? ये देखो आप पता नहीं पशुपतिनाथ कैसे कैसे भेज देता, गोपत दानी भी दे जाते जो हमसे पता के भी नहीं जाते ना, अपना पता छोड़ के जाते, कोई चावल छोड़ गया, कोई दाल छोड़ गया, कोई सब्जी भी छोड़ जाता है, और कुछ हम मांग के भी लाते हैं, किसी भक्तों को भी कहना पड़ता है, तभी जाकर सहयोग से ये भंडारा होता है। सबका है, गरीब अमीर छोटा बड़े का सबका सहयोग लग के उसी में भंडारा। आप क्या क्या खिलाते हैं यहाँ पर?
चौरासी भोजन सब जो मिष्ठान होता है ना, जो गरीबों ने किसी शादी ब्याह में बनाते हैं, वैसा शादी ब्याह भोलेनाथ का शादी है, इसमें हम वही खाना बना रहे हैं जो शादियों में बनता है। आप लोग जो बड़े लोग बनाते हो वैसा ही गरीब लोगों को नहीं मिलता वो खाना, क्योंकि आप निमंत्रण देते नहीं हो उनको। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ एंट्री भी नहीं है उनकी। यहाँ पर एंट्री सबकी, कैसा ही खाइए, जैसे इच्छा है, मन चाहे खाओ, चार बार खाओ, दस बार खाओ, यहीं पर लेट जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है, आराम से सो, चाय पानी सब मिलेगा। बाबा भोले की दुआ है, पशुपतिनाथ की मेहरबानी, गोरक्षनाथ की मेहरबानी है, हम तो उनको मानते हैं। ये चमत्कार यहाँ भोले बाबा मोहननाथ जी के द्वारा ही हम लोग सभी मिलकर इनके साथ में कार्य करते हैं। हाँ जी, ये बाहर में यहाँ के खाने खिलाने के लिए जो आपने बोला, जैसे भक्तों का सहयोग है ना, अब बाबा लोग का भी सहयोग है क्या? बाबा लोगों सब का, बाबा लोगों का सहयोग से बाबा इस, अच्छा एक बात, बाबा को बाबा सहयोग नहीं देगा तो फिर काम कैसे होगा? होता है उनका सहयोग जो इस मंडली के, सब मंडलियों से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, हमारी मंडली का जितना संप्रदाय वैसे गिरीपुरी आरती वैसे बहुत ही साधु संतो दुनिया भर के नागे निर्माणी दुनिया भर के, मगर हमारा नाथ संप्रदाय का होता है। अब तक 2 लाख ने लिया, ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है सर, अभी हिसाब नहीं लगाया है। मोहन बाबा नमस्कार, आप कब आए यहाँ पर? 8-10 दिन। कब तक ये रहेंगे यहाँ पर? शिवरात्रि के बाद। शिवरात्रि बाद तक। अब यहाँ भंडारा चल रहा है, आपके कमान में हो रहा है ना, आपके आशीर्वाद भी है, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है, महाशिवरात्रि के पर ये हो रहा है, कितने साल हो गए? 7वां साल है। 7वां साल है। अब कि इस भंडारे में पहले साल 11 रोज तक हुआ था, इसमें 9 दिन का क्या है? 11 दिन हो जाएंगे, एक दिन पहले से हो गया, एक दिन बात कर हो जाएगा, तो 11 दिन हो जाएंगे। ये भंडारे के लिए आप लोग को सहयोग क्या क्या मिल रहा है, कभी क्या क्या मिलते हैं? नेपाल सहयोग कर रही है, इंडिया के भी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी का सहयोग चल रहा है यहाँ पे। हाँ। सभी के सहयोग के अनुसार ये भंडारा चल रहा है। हाँ। एक कोई किसी का कोई करता तो ये भंडारा नहीं हो पाता है, ये सभी के अनुसार हो रहा है। सबसे बड़ी माया इस महादेव की, बाबा पशुपतिनाथ की, जो करने करवाने वाले बैठे हुए हैं। हाँ, ये नाथ संप्रदाय के तरफ से, देखो ये नाथ संप्रदाय की तरफ से भी है, बाकी भेद भगवान की माया, ये सभी के लिए, सभी आए, सभी बाबा पशुपति के दर्शन करें, और जैसा भी रुका चुका है यहाँ पे वो पाके और अपनी यात्रा को मंगल में करे। आपका आशीर्वाद क्या है? बस यही है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है, अपना दया धर्म रखो, जो दया धर्म रखता अपने किसी भी धर्म से हो तो अपने धर्म दिखकर रहो, किसी धर्म की ना बुराई करो, ना सोचो, ना सोचने दो, सभी को प्रणाम करो, सभी को नमस्कार करो, और अपने जो अपने श्रेष्ठ हैं, अपने देवता हैं, उन्हीं के अनुसार चलो, जो कुल देवताओं ने बताया। इस बार के भोग में क्या क्या मिलेगा भक्तों का? आप भोजन, भोजन के लिए बोल रहे हैं? हाँ, क्या क्या मिलेगा? देखो ये अम्बाबा जी ने कह सकते हैं। हाँ। जैसा भी है ये प्रसाद बट रहा है। हाँ। ये शुद्ध देसी घी का प्रसाद है, इसमें क्या क्या है ये बाबा जी क्या बताए, इसमें सभी कुछ बनना है, सभी प्रकार का मिष्ठान। महाशिवरात्रि के पर अवसर पर यह नेपाल आ रहे हैं अभी पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए ना? से नहीं, हम ज्यादा नहीं तो आज 17-18 साल हो गए आते हैं। हाँ। और आते आते महादेव की माया हुई है। आप भारत के कहाँ रहने पर है? हमारी गुरुगद्दी जो सी है वो हरियाणा जटवाड़ा है। हाँ। बाबापुर जटवाड़ा गुरुगद्दी है। हाँ। और अब निवास स्थान जो बनाया है वो गाजीबाद दुबई में बनाया है। आप लोग जो गोरखनाथ मंदिर से भी जुड़े हैं ना संप्रदाय, तो गोरखनाथ जी तो ही सबसे बड़ी माया बोली। यहाँ बैठने कैसा मिला है, अच्छा है नहीं क्या है? ये बाबा पशुपतिनाथ की माया जो सी, बाबा गोरखनाथ जी पहले बैठ के चले गए यहाँ पे। हाँ। और उन्हीं के राह से हमारे जो संत महात्मा भेद भगवान है वो उन्हीं के द्वारा आता चला गया है, सदियों से आते जा रहे हैं हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु, परदादा गुरु, ये सदियों से आते जा रहे हैं और हम भी आते जाते रहेंगे। आपके उत्तराधिकारी क्या है कि आप उनका पीठाधीश है? देखो ऐसा है, हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। हाँ। श्री योगी सत्यनाथ जी। हाँ। उनकी माया है, हम उनके शिष्य हैं। हाँ। बाकी इधर हमारे चाचा गुरु बैठे हुए हैं। हाँ। सही भेद होगा, बाकी सभी साथ में हैं, और सभी का साथ और सभी का सहयोग मिला हुआ है, सभी के अनुसार चला हुआ है। ठीक है,
बोल सच्चे दरबार की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल बाबा महानाथ की जय। करते 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 नवीन दाई खाई नवीन दाई आउनु इसको ले जाएगी Oh, I didn't want to do that.